नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर। होली पर्व के मौके पर श्री एल आर तिवारी कॉलेज में आज यानी रविवार के दिन मेरा भाईंदर शहर के एडवोकेट एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई सारे एडवोकेट्स और जजेस ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान हमने आए हुए मेहमानों से बात की, आइए हम आपको सुनाते हैं इस प्रोग्राम को लेकर उनकी क्या राय है। होली के पावन पर्व पर भाईंदर एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया हुआ है। यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे साथी रवि जाधव आए हैं और इसमें सब वकील लोग शामिल है। और इस प्रोग्राम के अंदर आज बहुत सारे जो यहाँ पे विद्वान वकील है, सीनियर है, उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया है, कई बातें गाइडलाइंस दी है वकील वर्ग को। और यहाँ पे आज हम कलर उड़ाएंगे नहीं, हम यहाँ पे फूल उड़ा के यहाँ पे होली मनाएंगे। डेमोक्रेसी यहाँ से हटेगी नहीं, संविधान के कानून के बाहर कोई जाएगा नहीं, किसी के बस की बात नहीं है संविधान के बाहर जाना। उसके बारे में कई सारे सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय है और ये डेमोक्रेसी टिकेगी। टाइमली हमें ऐसा लगेगा कि इसको अरेस्ट हुआ, उसको अरेस्ट हुआ, तो हम कहीं हुकुमशाही की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी जुडिशियल सिस्टम इतनी मजबूत है और वो जुडिशियल सिस्टम हमारी जो है अल्टीमेटली संविधान के अनुरूप चलती है। तो टाइमली लगेगा आपको, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी इस दिन से, इस देश से हटेगी नहीं, जाएगी नहीं। डेमोक्रेसी बुलंद हो जाएगी और जो आदमी संविधान को हाथ लगाने की और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा उसको ये देश छोड़ेगा नहीं, उसको निपटारा करेगा। यहाँ होली का ये जो पावन पर्व है उसी के अवसर पर अधिवक्ताओं की होली मिलन, ये जो हमारे एचआर शर्मा जी मीरा भाईंदर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके सभी सदस्य ऑर्गेनाइज किए हैं, और जिस प्रकार से कई रंग एक दूसरे में मिलके आज लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं और मिक्स कर देते कि हम एक समान है, वैसे ही सभी अधिवक्ता सभी प्रांत से, सभी भाषा से, सभी जाति धर्म से यहाँ आज जुड़े हैं। उसका रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए हमें एक साथ आने का संदेश आज एचआर शर्मा जी के माध्यम से यहाँ देने का जो प्रयास किया गया, हर साल वो करते, बहुत अच्छा है। एक छोटा सा पौधा था कई सालों पहले ये बना हुआ था एसोसिएशन, और आज बड़ा हो रहा है। और इस उत्सव के माहौल में, मौसम में, यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अधिवक्ता हम सब एक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस। और आज हम मिलजुल के ये निश्चय कर रहे हैं, यहाँ पे हम शपथ ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में मीरा रोड के कोर्ट का समस्या हो, अधिवक्ताओं के पर्सनल समस्या हो, चाहे वो जुडिशियल प्रिपरेशन हो, इसके लिए मीरा भाईंदर एसोसिएशन सभी बार के अध्यक्ष यहाँ थे, बांद्रा हो, बोरिवली हो, और मैं खुद बॉम्बे सिटी सिविल सेशन कोर्ट बार का अध्यक्ष। तो हमने निश्चय किया है कि आने वाले दिनों में अधिकारों की लड़ाई के लिए, वकीलों के अधिकारों की लड़ाई हो या कोर्ट में जो आते हैं लिटिगेंट उनकी लड़ाई हो, जैसे चौहान जी ने बताया, उनके लिए हम कटिबद्ध है और उसके हम कैरी ऑन करेंगे, जारी रखेंगे। वकील का कोई जात और धर्म नहीं, उनका एक ही है कि वकील सबको न्याय मिले, निर्णय दिया जाए अच्छा, जुडिशियल सिस्टम अच्छा चले। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई अगर माहौल खराब करने की कोशिश किया उसके भी विरोध में हम हैं, माहौल खराब नहीं होना चाहिए, जो भी माहौल खराब करना चाहेगा उसके हम विरोध में रहते हैं। हम अपना कोर्ट का काम करें, जुडिशियल सिस्टम सबको अच्छा चले, निर्णय मिले, यही हमारी उम्मीद रहती है, और हम माहौल खराब करने वाले के खिलाफ हैं। सर, इतना बड़ा मीरा भाईंदर शहर है, 6 पुलिस स्टेशन है, पुलिस कमिश्नरी बनी है, आज तक कोर्ट का काम शुरू नहीं हुआ है, 10-12 साल से कोर्ट का काम लंबित है। एक बार तो कोर्ट की बिल्डिंग का कलर भी हो चुका था, वो डिसकलर हुआ, वापस कलर हुआ, फिर भी कोर्ट का काम नहीं चालू हो पा रहा है। हम उस कोर्ट के काम को चालू करने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरा, हमारा वकीलों की जो परेशानियां होती हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को भी हम चाहते हैं कि पास किया जाए, वकीलों को बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, हम वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करें, यही हमारा उद्देश्य है। और एक होली मिलन का पर्व भी है, रमज़ान का भी पर्व है,
तो हमने ये प्रयास किया कि दोनों पर्व एक साथ मिलकर के सारे रंग भेद सारे मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म पे हम सब मिलकर के होली मनाएं रमजान मनाएं, ये हमारा उद्देश्य। देखिए नेता लोग आश्वासन केवल देके जाते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले RTI एप्लीकेशन थाना कोर्ट में डाला है, मैंने चीफ मिनिस्टर को भी ला जुडिशरी को भी एक पत्र लिखा है, मैंने हाई कोर्ट को भी पत्र लिखा है, और मैंने जो RTI एप्लीकेशन डालने के वक्त मैंने रजिस्ट्रार से भी बात की, उन्होंने कहा कि बजटरी सेंक्शन नहीं हो पा रहा है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, आश्वासन के अलावा केवल आश्वासन देने के अलावा कोई नेता कुछ काम नहीं कर पा रहा है, इसके लिए तो हम लोगों ने अपना एसोसिएशन बना के काम करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। मीरा भाईंदर के कोर्ट के मुद्दे को मैं जो उसको डिले हो रहा है ना, मैं उसको राजनीतिक ही मानता हूँ। ये बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, ये दो तरफा राजनीति है, एक तो जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिशियन अपना वक्त इसके ऊपर लगा के अपने वोट बैंक बनाने के लिए और पब्लिक को एक बात बताने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, काम दिखाना है, इलेक्शन दर इलेक्शन थोड़ा सा काम करके फिर एक बार दिखाते हैं कि हम कोर्ट खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिवक्ता है जो थाना बार को बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से भी हमें ये पता चला कि बहुत सा ऐसा रेजिस्टेंस हो रहा है कि भाई कोर्ट यहाँ से चला जाएगा तो हमें परेशानी हो जाएगी। अभी हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट आ रहा है, इसके अंदर जो सीनियर डिवीजन है सिविल कोर्ट की वो नहीं आ रही है, इतना परेशान होने की या इतना उसकी ज़रूरत नहीं है। और हम अधिवक्ताओं को समझना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें नॉलेज दी है, हमें समझ दी है, हमें एक बड़ा रुतबा दिया है, हम अपना कमाई अपने रुतबे से अपनी इंटेलिजेंस से अपनी पढ़ाई से करें, हम यहाँ कोर्ट ना खुल जाए वहाँ कोर्ट ना खुल जाए हमारी कमाई कम होगी, ये एकदम अंधविश्वासी बातें हमारे अधिवक्ताओं में कहाँ से आती है मुझे समझ में नहीं आया। हम पढ़े लिखे हम आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में ये बोला जाता है कि एक होता है लीगल प्रोफेशन तो वो आदमी हो गया लर्नेड, और लर्नेड आदमी यानी एडवोकेट के अलावा हम सबको मानते हैं लेमैन, तो हम लेमैन दूसरों को मानते हैं लेकिन हमारी कुछ लोगों की हरकतें ये बताती हैं कि हम खुद लेमैन हैं। हम इस बात पे आज भी भरोसा करते हैं एक कोर्ट खुल जाएगा तो हमारे कोर्ट की रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। अरे कुछ हम थोड़ा अपनी नॉलेज का ख्याल रखें, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है और जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है वो टैलेंट से जो तुम कमाई कर सकते हो होगी तुम्हें, उसके लिए तुम इतना परेशान होने की इतना जज्बाती होने की इसके पीछे इतनी राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं। मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन का मानना है कि मीरा भाईंदर शहर का जो एकमात्र कोर्ट जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन उसके शुरुआत होने में जो देरी हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। थाना के सीनियर काउंसलर नहीं चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर का कोर्ट जल्द शुरू हो, इसके चलते भी देरी हो रही है और पेचीदगियां कायम हो रही है। हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो नेता है जो हर 2-4 महीने में आकर एक मरतबा आश्वासन देते हैं, बयान देते हैं कि वो जल्द ही ये कोर्ट की शुरुआत हो जाएगी, न्यायालय की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उनके आश्वासन केवल आश्वासन ही दिखाई दे रहे हैं। असल बात तो ये है कि ये वकीलों की आपस की लड़ाई है कि कुछ वकील है जो नहीं चाहते कि शिफ्ट हो कोर्ट मीरा भाईंदर में, वो चाहते हैं कि थाने का जो कोर्ट है वहीं पर रहे, ऐसा भी मानना है यहाँ के एडवोकेट एसोसिएशन का। हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को और एडवोकेट को कब थाना जाने से मुक्ति मिलेगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिश के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।